Hello everyone. Six tips that can ensure that you prepare well for the upcoming RBI examination in the next 6 months. These are going to be very, very simple tips, yet very effective in making sure that you clear the examination in your first attempt itself. Please make sure that you connect with, that you follow all these six tips or six steps, because if you don't, then I can assure you that you are making your life very, very difficult and very miserable. With this, let us start with these six tips that can ensure that you are well prepared for the upcoming examination. So, kya hai ye 6 tips? Number one, two subjects at one time. Jab bhi aap padhai shuru karein, the maximum number of subjects that you can pick up is only two. Usse zyada agar aap uthayenge subjects, I am telling you, you are confusing yourself. आप अपने brain को overload कर रहे हैं. And in that scenario, your brain will not respond. वो respond करना बंद कर देगा. All of us do not have Elon Musk in ourselves. हम लोग इतने ज़्यादा smart या इतने ज़्यादा अलग नहीं हैं that we can read 100 things and do 100 things in one day. Let's be human. Let's be normal. Let's not try to be superhuman. दो सब्जेक्ट्स ही एक बार में उठाने हैं. यू विल हैव दीज थॉट्स कि यार अभी तो क्वांट बचा है, रीजनिंग बचा है, ईएसआई बचा है, फाइनेंस बचा है, मैनेजमेंट बचा है, हाउ विल आई कवर ऑल दीज थिंग्स. बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर फोकसिंग ऑन ओनली टू सब्जेक्ट्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. यू हैव टू फर्स्ट कंप्लीट देम एंड ओनली देन कैन यू मूव ऑन. आप जब भी आगे बढ़ोगे, जब आप ये दो सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लोगे, जस्ट एज इन रिलेशनशिप्स यू मूव ऑन बाय फिनिशिंग वन रिलेशनशिप. अगर आप आधी छोड़ देते हो तो बहुत गालियां पड़ती हैं. द सेम इज हेयर, यू कंप्लीट अ सब्जेक्ट बिफोर मूविंग ऑन. ओके, टिप नंबर टू पे आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, करेंट अफेयर्स. दिस हैज बीन एन अकिलीज हील, दिस हैज बीन अ प्रॉब्लम विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, स्पेशली आरबीआई एस्पिरेंट्स. उनको नहीं पता है करंट अफेयर्स को टैकल कैसे करें, और उस कंफ्यूजन में ना तो वो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं एंड दे आर नॉट एबल टू स्टडी एनीथिंग एल्स आल्सो बिकॉज दे कीप थिंकिंग अबाउट करंट अफेयर्स ओनली. आई एम गोइंग टू सिंप्लीफाई इट फॉर यू. दो चीजें हैं जो आपको करनी है. नंबर वन, फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स यू हैव टू मेक करंट अफेयर्स योर लाइफस्टाइल. अब आपके लाइफस्टाइल है, इसका मतलब क्या है? सोते जागते उठते बैठते व्हेनेवर यू हैव फ्री टाइम, जैसे कि अभी आप यू मस्ट बी थिंकिंग अबाउट नेटफ्लिक्स कि यार ये वाली सीरीज आ गई, रात को जाके बैठ के देखेंगे. इट इज योर लाइफस्टाइल. ऐसे ही इफ करंट अफेयर्स बिकम्स योर लाइफस्टाइल, देन इट इज नॉट एन एफर्टफुल एक्टिविटी एनीमोर. फिर वो एक आसान एक्टिविटी बन जाती है. व्हाट डू यू डू? सोते जागते उठते बैठते व्हेनेवर यू आर डूइंग एनीथिंग एट ऑल व्हिच इज नॉट रिक्वायरिंग योर फोकस, खाली बैठे हो, पेरेंट्स ने बोला शादी में चलो, शादी में चले गए, वहां कुर्सी पे बैठे हो, खाना खा लिया है, you make sure that you move to current affairs. आपको current affairs हमेशा 24 घंटे आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए जब भी आप खाली हो. It doesn't mean that you stop doing anything else and everything else. ऐसा भी नहीं है. Whenever you are free, जब भी आप time waste कर रहे हो, get back to current affairs. For example, मैं bike पे जा रहा हूँ, मैं गाने सुनता ही हूँ, गाने की जगह मैंने एक earphone लगाना, दो मत लगाना whenever you are traveling or driving. गाने की जगह मैंने कोई करंट अफेयर्स की पॉडकास्ट चला लिया. आई एम ट्रैवलिंग इन द ट्रेन, बस में बैठा हूँ, गाने की जगह मैंने कोई वीडियो या ऑडियो चला ली करंट अफेयर्स की. आई एम सिटिंग इन द ऑफिस हैविंग लंच ऑन माय ओन, मैंने कोई पॉडकास्ट चला लिया या फिर कोई वीडियो चला ली करंट अफेयर्स की. दिस इज हाउ यू कन्वर्ट करंट अफेयर्स इन टू अ स्ट्रेंथ बाई गेटिंग बैक टू इट वेन एवर यू कैन, एंड इट्स अ वेरी सिंपल एक्टिविटी. सेकेंड जो आप तरीका फॉलो करोगे, दैट इज रिविजन ऑफ करंट अफेयर्स फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स. पहले 3 महीने आप अपने आप को सेट कर रहे हो बाई मेकिंग करंट अफेयर्स योर लाइफ स्टाइल. द नेक्स्ट 3 मंथ्स विच इज योर 3 मंथ्स बिफोर द एग्जाम, आप अब एक एक करके करंट अफेयर्स को खत्म कर रहे हो. हाउ डू यू डू इट? वेरी सिंपल. स्पॉटलाइट उठाया, लास्ट 4 महीने का एक साथ पूरा उठा के खत्म कर दिया, रट लिया उसको. PIB 247 उठाया, लास्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर उठा के खत्म किया. गवर्नमेंट स्कीम्स के डॉक्यूमेंट्स उठाए, 400-450 पेज के हैं, 10 दिन लगाए, 10 दिन में सारा पूरे 400 पेज खत्म किए, एंड देन यू मूव फॉरवर्ड. दिस इज कॉल्ड एज एग्जाम ओरिएंटेड कवरेज ऑफ करंट अफेयर्स. ओके,
पहले 3 महीने आप ये नहीं करोगे, क्यों? बिकॉज एट दिस टाइम यू आर फोकसिंग अपॉन टिप नंबर 1। आपका यहां पर फोकस है कि मेरे को सिलेबस पूरा करना है। आई होप दिस इज क्लियर। 2 टिप्स हमारी हो चुकी हैं, आई होप यू आर राइटिंग देम डाउन। लिखोगे नहीं तो भूल जाओगे, भूल जाओगे तो जो भी मैं बता रहा हूं उसका कोई फायदा नहीं होगा। बिलीव मी, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, दीज आर नॉट माई वर्ड्स, दीज आर द वर्ड्स ऑफ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स। ये सब चीजें सेलेक्टेड स्टूडेंट्स ने अपने एक्सपीरियंस से मुझे पिछले 5 साल में 7 साल में बताई हैं, एंड आई एम कम्युनिकेटिंग देम टू यू। पॉइंट नंबर 3, टिप नंबर 3, 1 day per week फॉर टेस्ट। ये बहुत जरूरी है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स स्टार्ट राइटिंग टेस्ट व्हेन दे आर वेरी क्लोज टू द एग्जामिनेशन। ऑब्जेक्टिव में तो फिर भी खींच लोगे, डिस्क्रिप्टिव में और एसे राइटिंग में इट विल हर्ट यू वेरी बैड। यू आर नाउ रिलाइंग ऑन लक टू स्कोर वेल इन दीज 2 पेपर्स। सिंपल स्ट्रैटेजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी, ऑलवेज सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी, कोई डाउट ही नहीं है। हर हफ्ते में 1 दिन निकालो, देर आर 7 days इन अ वीक, 1 day लेट्स से यू आर रेस्टिंग, 6 days आर लेफ्ट, आउट ऑफ दोज 6 days 1 day यू आर टेकिंग आउट ओनली फॉर टेकिंग टेस्ट, एंड यू आर टेकिंग अ टोटल ऑफ 3 tests एवरी वीक। ये टेस्ट आप खुद भी बना सकते हो, यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन समवन लाइक मी टू प्रोवाइड यू अ कंप्लीट टेस्ट, आप खुद भी बनाया जा सकता है। एक आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट दोगे, आधा घंटे, पौना घंटे, 1 घंटे का। 1 answer writing test, बिलीव मी दिस हेल्प्स अ लॉट, एंड यू हैव टू कीप इन माइंड दैट यू आर राइटिंग एन एंटायर आंसर राइटिंग टेस्ट। आप पूरा आंसर राइटिंग टेस्ट लिख रहे हो, मतलब 1.5 hours, 4 questions 4 answers। 3rd 1 essay writing test, आप इन 3 tests को लिखोगे, देन यू विल टेक अ ब्रेक एंड देन यू विल एनालाइज ऑल द 3 tests 1 by 1। पूरा दिन आपका आराम से निकल जाएगा, यू विल गेट सम रिलैक्सेशन ऑल्सो, क्योंकि इसमें एफर्ट है पूरा लिखने में। जब एनालिसिस करोगे इट इज अ स्लो प्रोसेस, आराम से कर सकते हो, ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। टिप नंबर 3 आई होप इज क्लियर। इफ यू डोंट राइट 1 test every week, आई एम टेलिंग यू, यू आर रिड्यूसिंग योर प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन, और कुछ नहीं कर रहे हो आप। टिप नंबर 4, एक्टिव रिविजन, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहते कहते थक गया हूं, बट आई एम सेइंग इट अगेन, एंड लेट मी अश्योर यू, इफ यू डू दिस यू आर गोइंग टू बी रीडिंग लेस देन योर कॉम्पिटिटर, बट यू आर गोइंग टू बी सक्सीडिंग बेटर एंड फास्टर देन योर कॉम्पिटिटर। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? स्मार्ट पढ़ाई करना, कम पढ़ना, सेलेक्शन लेना, राइट? कम पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आलसी होना, कम पढ़ने का मतलब है यू वॉन्ट टू बी स्मार्टर देन योर कॉम्पिटिटर हु इज प्रॉब्ली रीडिंग 100 books, बट यू आर स्मार्टर बिकॉज यू आर रीडिंग जस्ट 1 book एंड मेकिंग श्योर कि आपका आउटपुट उससे ज्यादा है, राइट? दिस इज 1 strategy दैट कैन डू दैट। एक्टिव रिविजन वेरी वेरी सिंपल टू डू, बहुत ही आसान है। वॉट डज इट डू? आपको हर दिन, इधर एवरी डे और वंस एवरी वीक, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर रिवाइजिंग एक्टिवली। वॉट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिव रिविजन? इंस्टेड ऑफ जस्ट ओपनिंग द बुक एंड देन गोइंग थ्रू द बुक एंड asking yourself whether you remember all of it, what you do is आपने एक टॉपिक उठाया, फॉर example, subsidiaries of RBI, मैंने आज पढ़ा था ये, मैंने अभी बुक बंद कर दी, मैंने टॉपिक देखा subsidiaries of RBI, एंड आई आस्क माई सेल्फ, आई एम क्वेश्चनिंग माई सेल्फ, जिंदल वॉट आर द 5 subsidiaries ऑफ RBI? TICGC, BRBN, MPL, IFTAS, REBIT एंड RBIH, ये सारी 5 subsidiaries हैं, मुझे याद हैं। इनकी फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म बताया, याद है कि नहीं है? दैट्स इट, हो गया। याद नहीं है, यू ओपन द बुक एंड यू लुक एट इट अगेन। इफ यू डू इट वंस, जस्ट वंस, यू विल सी दैट द नेक्स्ट टाइम यू वुड नॉट हैव फॉरगॉटन एनी ऑफ दीज 5 subsidiaries। दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव रिविजन। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, डेली करोगे तो इट विल अल्टीमेटली गिव यू रिजल्ट्स। रिजल्ट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। टिप नंबर 4 इज डन, लेट्स कम टू टिप नंबर 5, पास्ट ईयर पेपर्स। दिस इज समथिंग दैट वी इग्नोर, हम लोग बहुत ज्यादा इसको इग्नोर करते हैं। रिसेंटली आई डिड नबार्ड पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस ऑफ 2021 इन अ न्यू फॉर्मेट एंड स्टूडेंट्स लव्ड इट। मैं धीरे धीरे वो RBI में भी करूंगा, सेबी में चेतन सर इज ऑलरेडी स्टार्टिंग विद इट, RBI में आई विल ब्रिंग इट टू यू, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। बट वॉट इज यूनिक हेयर, वॉट आई एम टेलिंग यू हेयर इज वेरी यूनिक। वाई? बिकॉज यू डोंट हैव टू डू पास्ट ईयर एनालिसिस जस्ट वंस। आपको अपनी लाइफ में, अपने एग्जाम में बस एक बार नहीं करना है, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू फॉल इन लव विद पास्ट ईयर पेपर्स। और ये आप कैसे कर सकते हो? वंस यू लिव विद देम डेली, एवरी डे यू हैव टू स्टार्ट लिविंग विद योर पास्ट ईयर पेपर्स।
Just like you keep thinking about your girlfriend or your boyfriend and you live through those memories again and again and again, ऐसे ही you have to make sure that you're falling in love with your past years. अपने past years से प्यार हो जाएगा तो आपको समझ आ जाएगा examiner चाहता क्या है और examiner हमसे पूछ क्या रहा है. A very small example. On the last Saturday, I had a session with all my enrolled students for essay writing. और मैंने उनको दिखाया कि भाई RBI में, SEBI में, NABARD में पिछले 3 साल में what were the essays asked. And everybody was shocked because हमें लग रहा था that very easy essays were being asked or a lot of economy essays were being asked because we never looked at past year papers. But once we saw them only one day, we realized that we were misdirecting ourselves. हम लोग कहीं और ही जा रहे थे और exam किसी और direction में है. Now imagine you do this every day. आप रोज past year paper देख रहे हो. After 1 month, you would have remembered, memorized all the questions of the last 5 years, past years. पिछले 5 साल के सारे questions आपको याद भी हो जाएंगे. You don't have to then look at past year papers. आप ऐसे बोल सकते हो कि ये वाला question इस साल में आया था. पूरा question पता है, पूरे options पता है, answer भी पता है. That helps you understand कि आप किस direction में आपको तैयारी करनी है. So you have to fall in love with your past year papers. This is going to be a new mashuka. ध्यान रखिएगा. Tip number 6 and my last tip for today, something that all of us do and something that all of us should not do. No smartphone while studying because it makes you dumb. आपको ये unsmart में convert कर देता है, आपको ये unsmart बना देगा, इसलिए you have to make sure that you're not using a smartphone. The only smart thing while you're studying is you. आपका कोई competitor नहीं होना चाहिए when you're studying. I follow it very strictly. मैं सुबह 6 बजे पढ़ना शुरू करता हूँ, जो भी मुझे students को पढ़ाना होता है. You won't believe me, 10 बजे तक maximum in 4 hours, I am done with 8-9 hours of studies. Because मेरे पास smartphone नहीं होता है, बस laptop होता है और मैं होता हूँ. The only smart thing out there is my brain. Make sure that you follow this habit. आप ये आदत डालो, इसको follow करो. Because आपका objective क्या है? Exam clear करना. Your objective is not to give the exam. Your objective is to clear the exam. अगर आपका objective ये रहेगा, तब आप you can have another smart person in your room in the form of a smartphone. But if you're actually thinking of clearing the exam, then remove all competitors. I hope these 6 steps have helped you, will help you. I hope आपने लिख लिया है. And I'm very, very sure that following these 6 steps for the next 6 months will make sure that you've cleared your RBI examination in your first attempt itself. I'll see you very, very soon with a lot of other tips and other ideas as well that can make sure that you can clear the examination as fast as possible. Till then, all the very best, guys. Take care. Bye-bye. Jai Hind.